हाय, मैं हूँ अमृता और आज मैं लेके आई हूँ नाइट एट द म्यूजियम का पार्ट टू। आई होप आपने पार्ट वन जरूर देखा होगा जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। सो मूवी की शुरुआत लास्ट पार्ट से 3 साल के बाद होती है, जहाँ पे हम लैरी को देखते हैं जिसने म्यूजियम में नाइट गार्ड की जॉब छोड़ दी थी और अपनी एक कंपनी शुरू कर दी थी जहाँ पे वो अलग अलग इन्वेंशन बनाता था और वो काफी कामयाब भी हो चुका था। और आज एक टीवी कमर्शियल वो शूट कर रहा होता है अपने डिवाइस की मार्केटिंग करने के लिए। जिसके बाद लैरी अपने ऑफिस में जाते हुए उसे न्यूयॉर्क के म्यूजियम में जाता है और वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि यहाँ के सारे जो वैक्स म्यूजियम के पुतले होते हैं वो दूसरी जगह पे मूव किए जाने वाले हैं और यहाँ पर अब पुतलों की ही होलोग्राफिक डिस्प्ले रखा जाएगा। और अगले दिन सारे के सारे आर्टिफैक्ट स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट नाम के बड़े से म्यूजियम में भेज दिए जाएंगे। अब लैरी ये डिसाइड करता है कि वो आखिरी रात अपने पुराने दोस्तों को म्यूजियम में मिलेगा और इसी के कारण सूरज ढलते ही वो म्यूजियम में चला जाता है। और वहाँ पे थैडी उसे बताता है कि अब म्यूजियम में सिर्फ थैडी डायनासोर और इजिप्शियन फेरो रह जाएगा और बाकी के सारे उस दूसरे म्यूजियम में भेज दिए जाएंगे और मैजिकल टैबलेट भी यहीं पे रहेगा और वहाँ जाने वाले जितने भी लोग हैं वो अब जिंदा नहीं होंगे। लैरी ये सुन के काफी उदास हो जाता है, लेकिन ये देखकर थैडी उसे जिंदगी के बारे में, उसके रहस्यों के बारे में और खुशियों के बारे में बताने लगता है और कहता है कि की ऑफ हैप्पीनेस वही है जो वो ये बताने वाला होता है। लेकिन तभी लैरी का फोन बजने लगता है जिसके कारण थैडी रुक जाता है और जब लैरी वापस से उसे देखता है तो ऑलरेडी सुबह हो चुकी थी, यानी कि वो वापस से पुतला बन चुका था। अब निराश छोकर लैरी अपने घर चला आता है जहाँ पे वो अपने बेटे निक के साथ दिन बिता रहा था। लेकिन तभी अचानक से उसे एक फोन कॉल आता है, क्योंकि ये फोन कॉल जेडा का होता है जो कि काउबॉय सिविलाइजेशन का लीडर था। वो उसे बताता है कि हमारे साथ म्यूजियम में एक मंकी भी था और उसने वो मैजिकल टैबलेट होती है और अपने साथ इस नई जगह पे वो लेकर आया है, जिसके कारण इस नई जगह पे यानी स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट में हर एक चीज जिंदा हो जाएगी, जिसे ये सभी लोग काफी मुश्किल में आ सकते हैं। अब ये जानने के बाद लैरी को तुरंत उसी नए म्यूजियम में जाना पड़ता है और वो अपने बेटे निक को ये सारी चीजें बताता है और वो निक की मदद भी मांगता है, क्योंकि जो नया म्यूजियम होता है वो काफी बड़ा और फेमस म्यूजियम था। वहाँ की हर एक चीज का रास्ता इंटरनेट पे ही सर्च करना पड़ेगा, जो वो निक को बताता है। कहकर वो फौरन नेक्स्ट फ्लाइट बुक करके वॉशिंगटन चला जाता है और स्मिथसोनियन इस म्यूजियम में पहुंच जाता है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम था। और यहाँ पे काफी अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए थे, जैसे कि स्पेस का म्यूजियम अलग है तो वही नेशनल हिस्ट्री का म्यूजियम भी अलग था। अब वहाँ पहुंचने के बाद वो निक को कॉल करता है और उसकी मदद से वो रास्ता ढूंढते हुए एक बिल्डिंग में जा पहुंचता है। अब अंदर जाने के लिए उसे सिक्योरिटी सिस्टम से गुजरना पड़ेगा, जिसके लिए वो वहाँ के मौजूद एक गार्ड का कार्ड चुरा लेता है और निक को कॉल करके डिटेल्स लेने लगता है। तो निक उसे बताता है कि जो भी नई चीजें इस म्यूजियम में आती है उसे बेसमेंट में ही रखा जाता है। अब बेसमेंट में जाते हुए उसका फोन के सिग्नल कम होने लगते हैं और वो निक से बात नहीं कर पाता। इसके बाद अपना रास्ता खुद ढूंढते हुए वो बेसमेंट तक पहुंच जाता है। अब वहां पहुंचकर वो देखता है कि यहाँ पर और एक इजिप्शियन फेरो है, जो न्यूयॉर्क के म्यूजियम में जो इजिप्शियन फेरो है उसका ही बड़ा भाई है। ये काफी इविल इंसान था और वो कंटेनर में मौजूद कुछ लोगों को मारने ही वाला होता है। दरअसल ये सारे लोग ऐसे ही पोजीशन में खड़े होते हैं कि उन्हें वो मार डालेंगे, लेकिन तभी शायद सूरज निकलने की वजह से ये लोग वापस से पुतले बन गए थे। अब यहाँ पे लैरी कंटेनर में जाकर उस मंकी के हाथ से टैबलेट ले लेता है और जैसे ही वो ऐसा करता है सूरज ढल जाता है और ये सारे लोग वापस से जिंदा हो जाते हैं। इजिप्शियन फेरो लैरी को देख लेता है टैबलेट के साथ और उसके लोग उसे घेर लेते हैं, उससे वो टैबलेट मांगता है लेकिन लैरी नहीं देता। तभी फेरो उसे बताता है कि वो इस टैबलेट को एक्टिवेट करेगा जिसके कारण सिर्फ वही जिंदा हो सकता है और ऐसा करने के साथ साथ वो अपने डेथ आर्मी को भी अंडरवर्ल्ड यानी हेल से यहाँ पे लाएगा और पूरे धरती पर अपना राज करेगा। अब लैरी उससे बचकर भागने लगता है और वो गलती से एक बहुत ही बड़ी जायंट ऑक्टोपस को आजाद करता है, लेकिन वो उसकी मदद करता है। अब वही ये लोग जनरल को भी देखते है जो अपने बाइक पर से आ रहा था और उसकी मदद से ये लोग वहां से भाग जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर के बाद फेरो के जो गार्ड्स होते हैं वो लैरी के बाकी दोस्तों को पकड़कर कंटेनर में बंद कर देते हैं। तो वही दूसरी जगह पे लैरी गार्ड से बचकर यहाँ वहाँ भाग रहा होता है कि तभी उसे फर्स्ट वुमेन पायलट यानी कि अमेलिया एयरहार्ट मिलती है, जो कि काफी एडवेंचरस औरत थी।
और वो उसका साथ देती है म्यूजियम में रास्ता ढूंढने के लिए, लेकिन फेरो के गार्ड्स उनके पीछे पड़ गए थे। अब लैरी एक आर्ट गैलरी में पहुंच जाता है जहाँ पे वो देखता है कि इसके टैबलेट के कारण वहाँ पे लगे पोर्ट्रेट में भी जान आ गई थी और वो उसी पोर्ट्रेट के अंदर चले जाते हैं। अब यहाँ पे गार्ड्स भी उसका पीछा करते करते वहीं पे चले जाते हैं, लेकिन वो और अमेलिया काफी चालाकी से पोर्ट्रेट से बाहर निकल आते हैं और उसे उल्टा कर देते हैं दीवार पर ताकि बाहर आने का रास्ता ही मिल ना सके और वो गार्ड्स अंदर फंस जाते हैं। अब इसी दौरान फेरो म्यूजियम के बाकी सारे जिंदा हुए लोगों में से कुछ लोगों को अपने तरफ कर लेता है। दरअसल ये कुछ लोग जो होते हैं वो इतिहास के सारे बुरे लोग होते हैं और उनकी मदद से वो एक एलाइज बनाता है और उन सारे आर्मी को वो टैबलेट हासिल करने के लिए लगा देता है। तो वही दूसरी जगह पे हम लैरी के दोस्तों को देखते हैं, यानी जेडा और उसके साथी को, जिन्हें उस कंटेनर में बंद कर दिया था, लेकिन वो उस कंटेनर में एक होल करके वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन तभी जेडा को गार्ड पकड़ लेते हैं और वही उसका साथी वहां से भागने में कामयाब होता है। वही एमेलिया और लैरी को भी पकड़ लिया जाता है और उनसे टैबलेट लेकर फेरो अपना सीक्रेट कोड लगाता है, पर वो सीक्रेट कोड काम नहीं करता और हेल का दरवाजा नहीं खुलता। इसीलिए अब वो लैरी को कहता है कि ये कोड अब उसे पता लगाना होगा और लैरी के पास ऐसा करने के लिए सिर्फ 1 घंटे का ही समय है, वरना वो जेडा और लैरी के बाकी सारे दोस्तों को मार डालेगा। ये कहकर वो जेडा को 1 घंटे के ग्लास में बंद कर देता है, जिसके बाद एमेलिया और लैरी कोड को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसी दौरान एमेलिया को लैरी की बहादुरी काफी अच्छी लगती है और वो उसे पसंद करने लगी थी, इसीलिए किस करती है। पर लैरी उसे बताने की कोशिश करता है कि एमेलिया दरअसल एक पुतला है और वो दोनों कभी भी साथ नहीं रह सकते, लेकिन वो उसे बता नहीं पाता। तभी लैरी को याद आता है कि उसने स्पेस म्यूजियम में आइंस्टाइन के बबल हेड यानी एक पुतले को देखा था और आइंस्टाइन के उस पुतले को इस कोड के बारे में पता होगा और इसीलिए वो स्पेस के म्यूजियम में जाने का फैसला करते हैं, जो कि काफी दूर था। अब वहां पे जाते हुए फेरो इन्हें देख लेता है और उसे लगता है कि ये लोग दरअसल भाग रहे हैं, इसीलिए वो हिस्ट्री के जितने भी लीडर थे यानी कि उसकी आर्मी उनके पीछे लगा देता है। तो वही दूसरी जगह पे हम जेडा के साथी को देखते हैं, वो भी म्यूजियम के बाहर पहुंच जाता है, लेकिन एक गिलहरी उसे उठाकर अपने साथ लेकर जाती है। यहाँ पे दूसरी जगह पे लैरी और एमेलिया जैसे ही टैबलेट लेकर एरोस्पेस के म्यूजियम में चले जाते हैं, वहाँ की हर एक चीज में जान आने लगती है और तभी अब्राहम लिंकन इनका बड़ा सा पुतला लैरी को उठा लेता है। अब उनसे मिलने के बाद ये दोनों भी अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं सारे लोग जिंदा हो गए थे और काफी गड़बड़ी के बाद एमेलिया और लैरी कैसे तैसे आइंस्टाइन के बबल हेड वाले पुतले तक पहुंच जाते हैं और वो आइंस्टाइन को वो टैबलेट दिखाकर उसका कोड बताते हैं। आइंस्टाइन उस टैबलेट को ट्रांसलेट करता है और उन्हें पता चलता है कि इसका सीक्रेट कोड दरअसल पाई की वैल्यू है। अब ये पता करने के बाद ये लोग निकल रहे होते हैं, लेकिन इनके पीछे वो इविल आर्मी पड़ी हुई थी और तभी एमेलिया को वहां पर सबसे पहला एरोप्लेन दिखाई देता है, जिसे उड़ाते हुए वो लैरी को वहां से भगाकर लेके जाती है और वापस से बेसमेंट में आती है जहां पे फेरो था। अब ये लोग उसे कोड बताते हैं और फेरो टैबलेट पर उस कोड को लगाता है और अंडरवर्ल्ड यानी हेल का रास्ता ओपन कर देता है और अपने आर्मी को वहां से बुला लेता है। इसी दरमियान जेडा का साथी उस गिलहरी पर बैठा हुआ वहां पर आता है और फेरो को चैलेंज करता है, लेकिन उसकी साइज देखकर सब लोग हंसने लगते हैं। लेकिन तभी वो कहता है कि मैं नहीं लड़ूंगा तुमसे, मेरी मदद के लिए कोई आया है। और तभी अब्राहम लिंकन का वही पुतला इनके सामने आता है और वो अंडरवर्ल्ड के आर्मी पर अटैक करता है और इन्हें डरा कर वापस से अंडरवर्ल्ड में भेज देता है और खुद जाते हुए वो लैरी को बताते हैं कि लैरी को इन तीनों इविल हिस्टोरिकल लीडर को आपस में चैलेंज करना होगा और पूछना होगा कि वो इतने पावरफुल लोग हैं फिर भी फेरो के लिए क्यों काम कर रहे हैं। अब अब्राहम लिंकन जाने के बाद लैरी इन्हें आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ वैसे ही भड़काता है और इनकी आपस में लड़ाई होने लगती है और लैरी वहां से भागने का देखता है। वही एमेलिया के सारे दोस्त आर्मी के रूप में वहां पे लड़ने लगते हैं और तभी आर्मी का साथी फेरो को बचाता है। अब वहाँ पे लैरी जनरल जॉर्ज को छुपा हुआ देख लेता है, जिन्होंने लैरी को पहले बाइक से बचाया था। अब इन्हें लड़ना नहीं था क्योंकि इन्हें रियल लाइफ में काफी बड़ी लड़ाई का हार का सामना करना पड़ा था और इसीलिए वो डर रहे थे, लेकिन लैरी उन्हें मोटिवेट करता है और कहता है कि अपने अतीत में हुए उस हार को उन्हें भुलाना होगा और अपने दोस्तों को उन्हें बचाना है। फिर इसके बाद जनरल जॉर्ज भी सबके साथ लड़ने लगते हैं अपने दोस्त
दोस्तों को बचाने के लिए। इसके बाद फेरो और लैरी में भी लड़ाई होने लगती है और फेरो अपनी तलवार यूज करता है तो वही लैरी अपनी फ्लैश लाइट से लड़ता है। अब लड़ाई के दौरान अमेलिया के हाथ में वो टैबलेट लग जाती है और वो वही कोड यूज करती है और अंडरवर्ल्ड का डोर खोलती है और लैरी फेरो को लड़ते लड़ते उसी अंडरवर्ल्ड के डोरवे में धक्का दे देता है और डोरवे बंद कर देता है, जिसके कारण अब लड़ाई रुक जाती है। अब अमेलिया अपने एरोप्लेन में लैरी, जेडिथ और उसके साथी को वापस से न्यूयॉर्क के म्यूजियम में छोड़ने आती है। अब यहाँ पे लैरी भी फाइनली वो उसे बताता है कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते क्योंकि वो बस एक पुतला है। उसे वापस से अपनी जगह पे जाना होगा वरना वो डस्ट बन जाएगी, जिसके जवाब में वो कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ। और दोनों भी फाइनल किस करते हैं और इसके बाद वो वहाँ से उड़ के वापस अपने म्यूजियम में चली जाती है। अब यहाँ पे लैरी भी न्यूयॉर्क के म्यूजियम में थैरी से मिलता है और सब लोग इकट्ठा होते हैं। अब यहाँ पे मूवी की शुरुआत में थैरी लैरी को की ऑफ हैप्पीनेस बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लैरी थैरी को कहता है कि मुझे अब पता चल गया है कि की ऑफ हैप्पीनेस क्या है। हम जिंदगी में जो भी काम चुनते हैं वो हमें खुशी से करना चाहिए और हमारे लोगों के साथ करना चाहिए, वही की ऑफ हैप्पीनेस है। अब 2 महीने के बाद हम देखते हैं लैरी ने वापस से सिक्योरिटी की जॉब अपना ली थी क्योंकि उसकी खुशी उसी में थी और जो उसका बिजनेस होता है वो उसने बेच दिया था। वैसे तो वो काफी अमीर था लेकिन उसकी खुशी इसी म्यूजियम में थी, इसीलिए वो यहाँ पे आकर काम कर रहा था। इनफैक्ट म्यूजियम अब रात में भी खुला था ताकि लोग जिंदा हुए हिस्ट्री के लोगों को असल में मिलने आएंगे, जिसके लिए अब वापस से सिक्योरिटी चाहिए थी। अब ये म्यूजियम भी काफी फेमस हुआ था और मूवी के अंत में हम देखते हैं कि उसे लैरी को अमेलिया जैसी ही दिखने वाली एक लड़की दिखाई देती है और लैरी फाइनली उससे बात करने जाता है और मूवी खत्म होती है। दोस्तों आपके लिए की ऑफ हैप्पीनेस क्या है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। मेरे लिए की ऑफ हैप्पीनेस क्या है ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, जिसका जवाब मैं अगले वीडियो में दूंगी। बाय बाय।